हेलो दोस्तों, ये जो पेपर है वो है 23 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का, ठीक है। और ये हमारा BSc 2 इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का है। इसके पहले जो 23 सितंबर का फर्स्ट सिटिंग का पेपर हुआ था उसका आंसर की मैंने अपलोड कर दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए भी फ़ायदा पहुँचाएगा जिनका पेपर 28 सितंबर को है, क्योंकि 28 सितंबर का भी सेम पेपर इन्वायरमेंटल स्टडीज ही है, तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको मैच करेगा। तो जो 23 सितंबर का फर्स्ट एंड सेकेंड सिटिंग में हुआ है वो सब क्वेश्चन आप लोग देख लें जिनका पेपर 28 सितंबर को है, ठीक है। तो चलिए हम इसका आंसर की बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आप सभी को पता है टोटल 2 घंटा का समय मिलता है, 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। आपको बिल्कुल बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पहला, स्वस्थ पर्यावरण के लिए खाली जगह बहुत आवश्यक है। तो पहला का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, ठीक है। पहला का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके, हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। दूसरा का सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। तो तीसरा का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, तीसरा का बी। उसके बाद चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डी। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डी होगा आपका, ठीक है। चौथा का क्या होगा, डी होगा। पांचवा का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो पांचवा का आपका ए होगा, पांचवा का ए होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी। सिक्स का आपका क्या होगा, डी होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेवन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए, सेवन का ए होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो एट है इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसका होगा आपका बी, आठवां का बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो नाइन का आपका हो जाएगा डी, नाइन का करेक्ट आंसर डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, तो टेन का आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 होगा इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ए, 11 का ए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, सॉरी दोस्तों, 11 का जो आपका होगा वो बी होगा, ठीक है। 11 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 11 का बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 12 का। तो 12 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। 12 का क्या होगा आपका, सी होगा। देखिए यहाँ पे 12 का आपका सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका करेक्ट आंसर ए होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 14 का आपका क्या हो जाएगा, 14 का आपका डी होगा, ठीक है। 14 का आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका आपका करेक्ट आंसर होगा बी, 15 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 16 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो 17 का भी आपका ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, 18 का बी। 19 का नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसका आपका करेक्ट आंसर ए होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 21। तो 21 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए उसके बाद 22 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 22 का ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 23। 23 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं 24 की ओर। 24 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। 25 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। 26 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। 26 का क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 27 की ओर। 27 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, इनमें से सभी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 29 की ओर। 29 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 29 का सी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 30 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, ठीक है। 31 का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उसका चलता है 32 की ओर।
32 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका बी, 32 का बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 का आपका करेक्ट आंसर सी होगा, 33 का सी। नेक्स्ट 34 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, 34 का भी क्या होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 35 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा बी हो जाएगा, ठीक है 35 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, ठीक है 36 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 37 का आपका करेक्ट आंसर 38 का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, 39 का आपका हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 40 का आपका हो जाएगा डी, ठीक है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 41 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। 47 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 47 का आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 ठीक है, 48 का आपका क्या हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक है 48 का आपका जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है 48 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 49 का आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 50 है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है दोस्तों। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, ठीक है।